गरीबों के लिए रैन बसेरा पूरी तरह तैयार। बढ़ती ठंड को लेकर नगर निगम की ओर से संचालित रैन बसेरे को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। रैन बसेरे में गरीब निराश्रित लोगों को रहने के लिए 50 बेड उपलब्ध है, लेकिन वर्तमान में 18 बेड को ही तैयार है। नगर निगम के अधिकारियों की माने तो जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे बेड की संख्या बढ़ा दी जाएगी। वर्तमान में 18 बेड लगाया गया है। वर्तमान में दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ने का सिलसिला जारी है। ठंड से सिर छुपाने के लिए गरीबों के लिए रैन बसेरा बनाया गया है, लेकिन इस ठंड में ठहराने के लिए प्रचार प्रसार के अभाव में यह व्यवस्था का लाभ उसको नहीं मिल पा रहा है। नमस्कार, मैं आमिर। गरीबों के लिए खुशखबरी है। दरअसल बता दें, कटिहार के नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम के द्वारा जो रैन बसेरा बनाया गया है, जिसमें 50 बेड अवेलेबल है। जो गरीब तबके के लोग हैं, बेसहारा हैं, जो रोड पर भटकते हैं, जिनको रहने के लिए इंतजामात नहीं है, चूँकि ठंड का मौसम है, ठंड के कारण किसी की मौत ना हो जाए, इसके लेकर नगर निगम जो है एक अच्छा पहल की है कि रैन बसेरा का इंतजामात किया गया है। चाहे वो कंबल वगैरह भी है वहाँ पे रहने के लिए, सोने का अच्छा इंतजामात है। और यहाँ पे जो नगर निगम के ओर से रैन बसेरा के बनाए जो प्रबंधक हैं, ममता कुमारी जी हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूरा बारे में जानेंगे, विस्तार से जानेंगे कि कुल कितने यहाँ बेड हैं और अभी तक कितने लोग यहाँ पर आए हुए जो रात ठहरते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर सीधा उन्हीं से बात करते हैं। जी, क्या नाम है? ममता कुमारी यादव। एक्चुअली ये कब बना था रैन बसेरा? ये तो हम तो ज्वाइनिंग लिए, मेरा एक साल हो गया ज्वाइनिंग होने से। एक साल? हाँ। तो एक्चुअली कितने बेड अवेलेबल है टोटल? क्षमता तो हम लोग का 50 बेड का है, लेकिन फिलहाल अभी वर्तमान में हम लोग के पास कंप्लीट बेड 18 है। उसमें जो कितने लोग गरीब तबके के लोग भी आए हुए हैं, जो रहते हैं रात में गुजर बसर करते, रहने ठंड ना लग जाए किसी को, इस कारण जो रहते हैं? अभी हम लोग के पास वर्तमान में 15 आदमी तो हैं, वो रहते हैं शाम में। किस टाइप के लोग हैं ये? वो जैसे कि जो भिक्षुक हैं, उसके बाद उसमें कुछ लेबर मजदूर वगैरह भी हैं जो बाहर से आके काम करते हैं, उनको जाने आने में जैसे दूर का रहता है तो वो लोग नहीं जा पाते हैं, तो जैसे रोड रोड पे सोते हैं, तो उन लोग भी है उनमें से। सब कोई आम आम को भी आ सकता है? आम नहीं, जैसे कि कोई गरीब मान लीजिए, हाँ, गरीब है, बहुत गरीब है। हाँ, वो कहीं मजदूरी कर किसी तरह अपने, हाँ, रोड, हाँ, रहने के लिए जगह नहीं है, जगह नहीं, क्या वे लोग आ सकते हैं? हाँ, वो लोग आ सकते हैं, जैसे रिक्शा चालक हो गए, ठेला चालक हो गए, ये सब वहाँ रह सकते हैं। खाने पीने का कुछ इंतजाम है या फिर सिर्फ सोने वगैरह? नहीं, अभी फिलहाल तो खाने का नहीं है, फिलहाल हम लोग ये सोने का ही प्रबंध किए हुए हैं, लेकिन जितना हम लोग का क्षमता है, जैसे 50 का है, अगर 50 कंटिन्यू हम लोग के पास आते जाते हैं तो फिर हम लोग आगे खाने का भी बात करेंगे। मान लीजिए 50 से ज्यादा कोई मान लेते आ गया तो उसके बाद? हाँ, तो उसके लिए फिर हम लोग आगे बात करेंगे, तो हो सकता है ऊपर आगे बिल्डिंग बन सकता है या फिर बेड का क्षमता बढ़ सकता है। अभी वर्तमान में 50 बेड है? वर्तमान में 50 का क्षमता और 18 कंप्लीट है। बेसहारा है, गरीब है, जिनके पास घर नहीं रहने को या रात गुजारने के लिए जगह नहीं है, वैसे लोगों से क्या अपील करेंगे? वैसे लोगों से हम यही अपील करेंगे कि उन वो लोग दिन में अपना जो भी काम करते हैं करें, ठीक है, लेकिन रात्रि 6 बजे वो लोग आप यहाँ आ जाए, ठंड के टाइम में, क्योंकि ठंड में रोड पे रहेंगे तो बहुत सारी परेशानियाँ भी उन लोग को हो सकती है, इसलिए सरकार इतना सुविधा दिया है उन लोग के लिए, ये बनाया हुआ है, वो लोग यहाँ आके ठहर सकते हैं। क्या मतलब कोई टाइमिंग फिक्स है कि इतने देर में आ जाना है या नहीं आना है? नहीं, टाइमिंग तो इनमें फिक्स नहीं है, जैसे कि शाम होते ही अंधेरा जैसे ही तो उन लोग को आना है, जैसे यहाँ पे हम लोग अवेलेबल रहते हैं हर टाइम, 24 घंटा मेरा यहाँ पे स्टाफ रहता है, 3 केयर टेकर हैं, 1 मैनेजर है, तो सबका टाइमिंग अलग अलग है, सबका शिफ्टिंग है, तो खाली कभी नहीं रहता है, जो कि किसी भी टाइम कोई भी आए तो वो घूम के वापस चले। 2 बजे भी रात में क्यों ना जाए? हाँ, वो मेरा एक यहाँ पे नाइट गार्ड भी रहता है, वो उनका भी फिक्स रहता है, वो यहाँ पे रहते हैं। अगर मान लेते हैं कोई लोग आते हैं, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है या फिर आया आप अपना रजिस्टर में नाम लिखे और दे दिए कि जा भी उसको? हाँ, उनका हम लोग एक आई प्रूफ लेते हैं। क्या? कोई भी जाए, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड, कोई भी एक प्रूफ होनी चाहिए। हाँ, एक प्रूफ होनी चाहिए। तो यकीनन ये सरकार के द्वारा जो किया गया पहल है काफी सराहनीय पहल है, काफी अच्छा पहल है, चूंकि इसे जो ठंड में ठिठोरते गरीब तबके के लोग हैं, जिनके ऊपर छत नहीं रहने को, जो गरीब है, बेसहारा है, जो आए दिन रोड पर मांग कर अपना जीवन यापन करते हैं, वैसे लोगों के लिए एक अच्छा पहल है सरकार के द्वारा। और भी कुछ बताना चाह रही हूँ?
और उनमें हम लोग ये भी करते हैं कि हम लोग का दो फ्लोर है, एक नीचे एक ऊपर, तो हम लोग पुरुष के लिए नीचे सुविधा दिए हुए हैं और महिलाओं के लिए ऊपर सुविधा। टोटल कितने रूम है? नीचे में तो एक बड़ा सा हॉल है और ऊपर में हम लोग के पास चार रूम है। चार रूम एक हॉल। हाँ। और इसका कोई टाइम है कोई मतलब पीरियड वगैरह? जैसे लिमिट टाइम तो नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग ये कोशिश करते हैं कि उनको जब तक कहीं रहने का ये सुविधा नहीं मिल जाए तब तक वो यहाँ ठहर सकते हैं। हाँ। तो यकीनन सराहने पहले सरकार की और नगर निगम की और कटिहार की इस पहल को लेकर, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बेसहारा है, जो रोड पर आए दिन अपना जीवन यापन करते हैं, किसी तरह मांग चांग कर, किसी तरह खाना पीना का इंतजाम जीवन यापन तो कर लेते हैं, लेकिन रात में ठहरने का इंतजाम नहीं हो पाता है और ठंड से ठिठोरते हैं। जैसे पता है ठंड का मौसम है, सर्द गर्म लगा रहता है, बीमार हो जाए, इस ठंड में कहीं बाहर कोई लोग ना रहे, जो गरीब तबके के लोग, उन लोगों के लिए जो फैसिलिटीज है काफ़ी अच्छा इंतजाम किया गया नगर निगम की ओर से। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।